तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी प्लीज, प्लीज, आपने लिख के दिया है। आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? लिखो सर, सर लिखो सर, गलत सर। देश का हलवा फट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। पोस्टर नहीं आने दूंगा, गलत तरीका है। आज संसद का दिन बेहद खास रहा। एक तरफ राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली के कोचिंग सेंटर में हुई 3 छात्रों की मौत के मामले पर हर पार्टी के सांसद ने कठोर कार्रवाई की मांग की। आज एक तरफ लोकसभा में राहुल के भाषण का सत्ता पक्ष विरोध कर रहा था, तो दूसरी ओर राज्यसभा में यूपीएससी अभ्यर्थियों की मौत पर जब जया बच्चन बोलने के लिए खड़ी हुई तो पूरा सदन शांत हो गया और जया बच्चन भावुक हो गई। आज लोकसभा में हंगामे के दौरान और क्या क्या हुआ और राज्यसभा में क्या बातें हुई, इसी को हम दिखाने वाले हैं इस शो में, जिसका नाम है अध्यक्ष जी हंगामा हो रहा है। शुरुआत राहुल गांधी के वायरल भाषण से। आज राहुल गांधी ने भाषण की शुरुआत चक्रव्यूह के जिक्र से की और मोदी सरकार की तुलना कौरव सेना से कर दी। चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था, उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्णा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी के निशाने पर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उनको क्या क्या कहा देखिए। जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। रुक करें राज्यसभा का, तो वहां का माहौल आज मिला जुला रहा, लेकिन चर्चा का मुख्य मुद्दा था यूपीएससी कोचिंग सेंटर में हुई छात्रों की दुखद मौत। इसी कड़ी में सपा सांसद जया बच्चन जब बोलने के लिए खड़ी हुई तो वो इस पल को याद करके भावुक हो गई। बहुत सालों बाद मैं इस तरह के डिस्कशन को देख रही हूँ। मुझे याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उस व्यथा को मैं आज भी नहीं भूल सकती हूँ सर। मोर देन द व्यथा, द इंसल्ट that a woman faced at that time. Today, I stand here as a mother, as a grandmother, with so much pain. Aaj hum log, sab log, na wo, na ye, na ye, kisi ne bhi sirf bachchon ko shraddhanjali di. Unke parivar ke bare mein kuch nahi kaha. Koi farmer the, koi ye the, koi wo the. सर इट्स अ वेरी वेरी पेनफुल थिंग दैट हैज हैपेंड। हमको इसमें पॉलिटिक्स नहीं लानी चाहिए। वी मस्ट राइज अबव दिस। वी हैव लॉस्ट 3 यंग पीपल
और ऐसे बहुत से यंग लोग गए हैं, सब लोग यहाँ बैठ के मैं तब से देख रही हूँ। मैं कलाकार हूँ सर, मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, मैं एक्सप्रेशन समझती हूँ। सब लोग अपना अपना पिट्ठू फिट कर रहे हैं। वहीं दिल्ली में हुए हादसे पर आरजेडी से सांसद मनोज झा ने कड़ा रुख अपनाया और कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर सवाल खड़ा किया। सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत पावरफुल हो गए हैं, अब तो ये कहते हैं कि हम कोई भी दुनिया का एग्जाम, देश का कोई भी एग्जाम रिक कर सकते हैं। सर, इनकी भूमिका मंत्री चयन में, सांसदों को चुनने में भी हो गई है। ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये जड़ में है सर, और ये आपके अर्बन प्लानिंग को, अर्बन डेवलपमेंट को, सबको रिक कर सकता है, और इसलिए फल फूल रहा। मौत हुई, हम आज चर्चा कर रहे हैं। हादसों के देश में तब्दील हो गए हैं सर हम लोग। यही नहीं, दिल्ली लोकसभा सीट से लोकसभा की सांसद बांसुरी स्वराज भी दिल्ली के मुद्दे पर गरजती हुई दिखाई दी। एक दशक से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता भोग रही है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कोई काम नहीं कर रही। अध्यक्ष जी, पिछले 2 सालों से नगर निगम यानी MCD भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, ड्रेनेज की सफाई दिल्ली जल बोर्ड के दिल्ली सरकार के नियंत्रण में है, लेकिन इन्होंने ना अपग्रेडेशन करी है, ना डिसिल्टिंग करी है नालों की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कहना चाहूंगी, ओल्ड राजेंद्र नगर में जो हुआ 24 जुलाई दो दिन से लगातार वहां के स्थानीय विधायक, वहां के स्थानीय पार्षद, वहां के अधिकारियों को लगातार स्थानीय निवासी इसकी शिकायत कर रहे थे। विधायक जी व्यंग तो कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा आपसे निवेदन है कि गृह मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए, जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए। आज के हंगामा स्पेशल शो में बस इतना ही। संसद की कार्रवाई से जुड़ी बाकी वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है आयुष, कैमरे के पीछे है आयान। धन्यवाद। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.